हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ स्मार्ट्स ब्रांड का एक सीक्रेट वॉल क्लॉक स्पाई कैमरा है, जो कि डिजिटल स्पाई कैमरा है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये है स्पाई, ये है वो क्लॉक जिसमें आपके कैमरा लगा हुआ है। आप इस कैमरा से 24 आवर लाइव रिकॉर्डिंग और रिकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। इसके साथ आपको मैनुअल मिल जाता है, ये देख सकते हैं। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ इसको कैसे ऑपरेट करना है। जे इसको फर्स्ट हम पावर में कनेक्ट करेंगे। ये वायर, इसके वायर लेंथ है 1.5 मीटर। फर्स्ट हम इसको पावर में कनेक्ट करेंगे। पावर में कनेक्ट करते ही इसका वो क्लॉक चालू हो जाएगा। भाई मैं आपको इसको कैसे है वो ऐप में कैसे ऑपरेट करना है वो दिखाऊंगा आपको। इसके बैक साइड जाते हैं, इसमें स्मार्ट्स ब्रांड का कस्टमर सपोर्ट नेम लिखा हुआ है, डिवाइस आईडी लिखा हुआ है, प्लस ये ऐप नेम लिखा है जो कि मैनुअल में भी मेंशनड है। इसमें भी चेक कर सकते हैं कैसे ऑपरेट करना है, और ऐप इंफॉर्मेशन वगैरह सब है इसमें, डिवाइस पासवर्ड वगैरह सब इंफॉर्मेशन है इसमें। फर्स्ट कैमरा को पावर ऑन करना है। अब मोबाइल में जाना है, वाईफाई सेटिंग में जाना है आपको। वाईफाई को रिफ्रेश करेंगे, ये देख सकते हैं कैमरा का डिवाइस आईडी आ जाएगा। इस पर क्लिक करना है, कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देन इसके ऐप में आना है जो कि लुक कैम प्रो ऐप है। अभी ऐप को रिफ्रेश करना है, यहाँ पे जाना है, सर्च में जाना है, वो सेम आईडी यहाँ पे भी शो कर देगा आपको। इसमें क्लिक करना है, इसमें सियोर में क्लिक करना है। थोड़ा टाइम लेगा, अभी सर्वर से कनेक्ट हो जाएगा। डिवाइस ऑनलाइन, ये दिखा रहा है डिवाइस ऑनलाइन, ठीक है ना। अभी ये लाइव कैम शो कर रहा है, ये देख सकते हैं आप, इसमें लाइव कैम शो देख सकते हैं अभी। बट अभी ये नेट से कनेक्टेड नहीं है, ये एक स्टेप बैक आना है। ये सेटिंग एक ऑप्शन में जाना है, वाईफाई सेटिंग में जाना है, जो आपके यहाँ जो लोकल वाईफाई होगा वो सिलेक्ट करना है, उसका पासवर्ड डालना है, यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। अभी ये कनेक्ट हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगता है कनेक्शन प्रोसेस में, 30 से 40 सेकंड लगता है, बट ये कनेक्ट हो जाएगा अभी। जाए जब कनेक्शन करें तो आप थोड़ा सा श्योर रखिए कि आपके जो वाईफाई राउटर और ये वॉल क्लॉक आसपास होना चाहिए, 4-5 मीटर के डिस्टेंस में होना चाहिए। उससे ज़्यादा हो जाएगा तो फिर थोड़ा सा कनेक्शन फर्स्ट टाइम जो है कनेक्टिविटी प्रॉब्लम आ जाएगा, जब कनेक्ट होने में, सर्वर से कनेक्ट होने में। जो ये कभी कभी डिपेंड करता है आपके जो नेट का स्पीड कितना है, उसके बेस पे, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर स्पीड अच्छा हो आपके नेट का तो वो जल्दी से कनेक्ट हो जाता है। अभी आप देख सकते हैं ये लाइव चल रहा है, जो सर्वर से कनेक्ट हो गया है, अभी ये लाइव चल रहा है। जो कोई भी दिक्कत हो आपको, जैसे नेट कनेक्ट नहीं हो रहा है या कुछ कोई इशू आ रहा है, इसके बैक साइड में ये रीसेट का बटन है, कैमरा का रीसेट का बटन है।
इसको 30 से 40 सेकंड के लिए कंटिन्यूसली प्रेस करके होल्ड करके रखोगे तो ये रीसेट हो जाएगा। तो आप फिर से सेम प्रोसेस में कनेक्शन कर सकते हैं आप जे, और ये क्लॉक का टाइमिंग और डेट वगैरह, ये टेम्परेचर वगैरह सेट करने का टाइमिंग है बस। ठीक है।